गाइज वेलकम बैक एक बार फिर से। मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं मनीष टोटल ज्ञान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं बलिया से बिलोंग करता हूं और बलिया में तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इस जगह पे मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हुआ हूं एक ऐसी जगह पे जहां पे आप जानते तो बहुत सारे होंगे, बलिया में ऐसे भी बहुत सारे घूमने वाली जगह हैं, लेकिन हम इस समय डिहाओ में एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आप देखे भी होंगे और नहीं भी देखे होंगे, तो एक बार आपको यहाँ पर आना ज़रूर चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी इस मंदिर का जो है निर्माण कार्य अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वैसे तो मंदिर में आप जानते हैं कि भगवान के लिए होता है, लेकिन इस मंदिर की खास बात क्या है मैं इसके सामने आपको लेकर के चलता हूँ और इस मंदिर में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या खास बात देखने को मिल सकती है। ये दो जगह हैं, चलिए मैं आपको जगह दिखाता हूँ कहाँ से आप इस मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक ये मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। आप इसके द्वारा आप इस मंदिर में अंदर जा सकते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब मंदिर है। ये आप देख सकते हैं अब इसकी डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है जो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा इस मंदिर में जाने की एक और सीढ़ी है, चलिए मैं वो भी उस सीढ़ी से भी आपको रूबरू करवाता हूँ। और तरीका जिस जैसे हम कह सकते हैं एक इमेजिनेशन, इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से है वो तो है ही। अब बिल्कुल इसको इसके दोनों तरीके से आप इस मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं जो कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी देखिए अभी मंदिर का जो है निर्माण कार्य अभी प्रगति पे है जो कि ग्राम सभा की मदद से इसको अभी पूरा किया जा रहा है और अंदर आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर की कुछ खास चीज़ें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। गाइस देख सकते हैं आप अभी निर्माण कार्य इस मंदिर में चल रहा है। अगर यहाँ इसका जो उतार चढ़ाव का नज़रिया है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको इसका प्रवेश द्वार दिखाया था, उसके बाद से ये नीचे उतरने का दरवाज़ा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आप यहाँ से नीचे उतर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इसको साइड एंगल से आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए ये मंदिर का जो है ये साइड एंगल का है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं गाइस आप ये जो मंदिर है इसका मैं साइड व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो ये बाहर से दिखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये आपको पड़ता है ज़िला बलिया के सिकंदरपुर में ये मंदिर आपका पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये मैं आपको साइड व्यू से दिखाता हुआ लेके चल रहा हूँ, इसके फ्रंट में भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है अभी भी प्रगति पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस दिन ये रेडी हो जाएगा उस दिन तो वाकई में देखने योग्य ये मंदिर रहेगा। आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर है। देख सकते हैं आप लोग इसकी जो डिज़ाइन की गई है बंदर के साथ में और काफ़ी मस्त है। ये सामने से आपको तीन तीन घोड़े नज़र आ रहे हैं और देख सकते हैं आप इसका। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं इस मंदिर की पूरी बात से रूबरू कराऊँ और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की डिज़ाइन ही इस मंदिर में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं तो यही हमारा मंदिर है, यहाँ पे हम आए थे आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने और उम्मीद है कि हमारा आज का ब्लॉग बहुत काम की चीज़ों में आएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसमें अभी लाइट वगैरह का सब काम अच्छे से चल रहा है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के बाद हम एक और ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताएंगे जो कि
नदी में बना हुआ है या यूँ कहें कि पोखरे में बना हुआ है, और बहुत बहुत अच्छी लुकिंग का मंदिर है वो, जो चल करके मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस मंदिर का आप देख सकते हैं, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये आपको जो सामने से दिखाई दे रहा है, ये इसके चढ़ने के लिए दो सीढ़ियाँ हैं, इधर से हैं और उधर से हैं। इसके बाद से आप ऐसे इसके अंदर जाएंगे, जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वैसे बाहर से आते आते आप यहाँ से इसके बाहर निकल सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है इस मंदिर की।